अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये कम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है चर्चल की, उसका ये एक्सरसाइज जो है वो पेज 225 और सेक्शन 67 की एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास कोसेकेंट जेड है और इसको लिखेंगे 1/sin z और बाय डिवीजन हमने और शो करना है कि कोसेकेंट जेड की जो लॉरेंट सीरीज है वो ये है और रीजन जो है वो ये हमारे पास जो एनुलर रीजन गिवन है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, इसमें ये सीरीज हमने एक्सपेंड करनी है। कोसेकेंट जेड जो है वो इक्वल टू आ गया 1/sin z। तो साइन जेड की जो जीरोज हैं या जो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज बनेंगी वो हम निकाल लेते हैं। साइन जेड इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो साइन जो 0 होता है वो हमारे पास पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं इनके ऊपर 0 होता है। एन जो है वो हमारे पास इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो एन पाई जो है वो कोसेकेंट जेड की सिंगुलैरिटीज बनेंगी। तो इस सीरीज के लिए जो हम एनुलर रीजन ले रहे हैं उसमें हम एन को 1 रख रहे हैं, तो ये मेरे पास बढ़ गया जेड मॉड ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। डिनोमिनेटर में हम साइन जेड की जो मैकलॉरन सीरीज है वो यूज करके 3 टर्म्स एक्सपेंड करेंगे। ये मैंने साइन जेड की जो मैकलॉरन सीरीज है वो लिखी हुई है, इसमें पहले एन को 0 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल आ जाएगी, 2n प्लस 1 में 0 डालेंगे तो 1 रह जाएगा, का मतलब जेड की पावर 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म में जब एन को 1 डालेंगे तो माइनस 1 की पावर 1, 2n प्लस 1 में 1 डालेंगे तो जेड क्यूब और नीचे 3 फैक्टोरियल, और जब एन को 2 डालेंगे तो 2n प्लस 1 में 2 डालेंगे तो 4 प्लस 1 जो है वो z पावर 5 आ जाएगा और माइनस 1 की पावर 2 नीचे 5 फैक्टोरियल। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे 3 टर्म्स, z माइनस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। अब ये तीनों टर्म जो आई हैं इनको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और नेक्स्ट अब मैं जो है वो डिवीजन स्टार्ट करूंगा, z माइनस z 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 बाय 5 फैक्टोरियल, इनको आउटसाइड रखेंगे और जो ऊपर न्यूमिरेटर में 1 है उसको इनसाइड रखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल एक रूल याद रख लें कि हमें कैसे पता चलेगा कि z को किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आंसर 1 आएगा। तो आप 1 को z से डिवाइड करें तो 1/z आ रहा है, यानी कि 1/z को जब हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z z कैंसिल होके 1 आ जाएगा। बाकी टर्म्स को आप 1/z को z क्यूब से करेंगे तो z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल रह जाएगा, और z 5 को जब z से करेंगे तो z कैंसिल करके z 4 बाय 5 फैक्टोरियल रह जाएगा एंड अप टू सो ऑन। अब साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म का साइन माइनस हो जाएगा, सेकंड का प्लस, थर्ड का माइनस। ये पहली टर्म प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल और जो दो टर्म्स बची हैं वो हम लिख लेंगे नीचे, z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल विद प्लस साइन और z 4 बाय 5 फैक्टोरियल विद माइनस साइन और आगे प्लस अप टू सो ऑन। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाए। तो उस मैं दोबारा z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा हूँ z से, तो z और z स्क्वायर कैंसिल करेगा तो हमारे पास टर्म रह जाएगी z बाय 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब है अगर मैं z को z बाय 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँ तो ये z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस z इंटू z क्यूब z 4 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और प्लस z 5 बाय 5 प्लस z बाय 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो z 6 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये पहली टर्म नेगेटिव होगी, सेकंड टर्म पॉजिटिव और थर्ड टर्म भी नेगेटिव। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी टर्म्स को हम नीचे लिख लेंगे। z 4 की 2 टर्म्स हैं तो प्लस वाली टर्म जो 1/3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 1/3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म माइनस 1/5 फैक्टोरियल और बाय z पावर 4 और z पावर 6 नेगेटिव साइन के साथ z 6 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और प्लस अप टू सो ऑन। अब z को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर माइनस 1/5 फैक्टोरियल इंटू z पावर 4 की टर्म आ जाए, तो
सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको जेड से डिवाइड करेंगे और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि जेड को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये वाली रिक्वायर्ड टर्म आ जाए। तो बेसिकली हमने जेड को 1/3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर माइनस 1/5 फैक्टोरियल इंटू जेड क्यूब से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये वाली टर्म आ जाए। तो जेड को जब करेंगे, जेड को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर माइनस 1/5 फैक्टोरियल इंटू जेड पावर 4 और रेस्ट ऑफ टर्म जो है वो एज इट इज। साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल और यही प्रोसेस कंटिन्यू है क्योंकि हमें सिर्फ 3 टर्म्स का आंसर चाहिए था, एक्सपेंड करनी थी सीरीज की, तो ये 3 टर्म्स हमने एक्सपेंड कर लिए। तो 1/sin z इक्वल्स आ गया 1/ ये साइन जेड की जो 3 टर्म्स थी इनको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 1/z प्लस अगली टर्म है 1/3 फैक्टोरियल और लास्ट टर्म है हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर माइनस 1/5 फैक्टोरियल इनटू जेड पावर 3 एंड सो ऑन। क्योंकि 3 टर्म्स के लिए ही ये सीरीज एक्सपेंड करनी थी इसलिए ये मैंने 3 टर्म्स का आंसर निकाला है। एनोड रीजन ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।